हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा, आपका दोस्त। और आज हम बात करेंगे कुछ और ऑर्नामेंटेशंस, जैसे खटका मूर्ति। बांसुरी में मधुरता यानी स्वीटनेस लाने के लिए, या तो फिर गायकी अंग लाने के लिए, जितना गमक और मिंड की जरूरत होती है, उतनी ही खटका और मूर्ति की जरूरत। अगर आपने खटका मुर्की के बगैर फ्लैट बजा लिया तो एकदम बिगिनर जैसा लगेगा। बांसुरी में स्वीटनेस के लिए जगह जगह पर, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ ही खटका और मुर्की आना ही चाहिए, तभी इसकी स्वीटनेस बढ़ती है। एक्सपीरियंस से आएगी, ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद ही आएगी, लेकिन खटका मुर्की आ जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको कुछ मिनटों में खटका और मुर्की दोनों के बारे में बता दूंगा, दोनों का डिफरेंस भी बता दूंगा, और एक्सरसाइज कैसे करनी है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये भी बता दूंगा। खटका मुर्की के लिए कुछ स्पेशल अलंकार्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, खुद बनाए हैं, ये भी आपके सामने रखूँगा, ताकि ये अलंकार बजाते हुए फिर उसको आप स्पीड में बजाएंगे तो खटका मुर्की अपने आप बजने लगेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं, पहले खटका की, बाद में मुर्की की। तो खटका यानी खटकना, जब आप कुछ कोई सुर बजा रहे हैं, बीच में थोड़ा सा खटकना आ जाता है, तो उसको खटका कहते हैं। जैसे आप पाव बजाइए सिंपल, इतना सा खटका, बहुत धब शुद्ध भी नहीं लिया, सिर्फ कोमल ध जैसा ही आया। यहाँ पे ये सब खटका है। खटका दो या तीन स्वर का ही होता है, बहुत छोटा होता है, और पास वाला स्वर, या तो ऊपर वाला स्वर या तो नीचे वाला स्वर, थोड़ा सा बजा के फिर मेन स्वर पे आना है, तो ये खटका है। अगर आसपास के दो स्वर ले लिए और नीचे के दो ऊपर के दो सब ले लिए, तो ये लंबा हो जाएगा, तो उसको मुर्की कहते हैं। खटका मुर्की में बस यही डिफरेंस है, जैसे सारे साहब, ये खटका हुआ, अब सारे सानी सा, तो ये मुर्की हो जाएगी लंबी। मुर्की है लंबी, थोड़ी लंबी मुर्की होगी, थोड़ा छोटा खटका होगा। खटका फास्ट वाला, सिर्फ तीन स्वर में, सारे स्वर, रे गा रे गा मा गा मा पा मा, सारे सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा, पद प ध नि द नि सा नि सा रे सा। अब देखिए इसको, ये सिंपल अंक है, सारे सारे ग रे ग म ग, बिना बेस के, सारे सारे ग रे ग म ग म प म प ध प द नि द नि सा नि सा रे सा। इसको अत्यंत स्पीड में बजाइए, सारे सा नि सा रे सारे सा रे सा रे ग रे ग म ग म प म प ध नि द नि सा नि सा रे। तो ये खटका हो गया। इस तरह से खटका की प्रैक्टिस करनी है, बस खटका मुर्की में यही है और कुछ नहीं है। लेकिन इसकी उसको आत्मसात कैसे करना है, तो इसके कुछ बेसिक अलंकार हैं। देखिए अभी मैंने क्या बजाया, सारे सनी साहब,
सारे जानेगा रे करे सारे गमा करेगा मापा मा गमा पदा पा मापा दनी दा पदा निजा निजा नहीं सारे जानेगा। अब इसको स्पीड में बजाने के लिए पहले स्लो आना चाहिए, तो स्लो बजाएंगे तो ये अलंकार हो जाएगा। देखिए इस अलंकार को आप थोड़ा और स्पीड में बढ़ाइए। और स्पीड बढ़ाइए, अब ये खटका हो जाएगा, मुर्की हो जाएगी। देखिए बस, तो यही है खटका मुर्की। लेकिन इसके बहुत सारे अलंकार हैं, मैंने बनाए हैं, आपको बताता हूँ एक के बाद एक। तो ये सारे अलंकार पहले स्लो, फिर फास्ट, फिर और फास्ट, फिर और फास्ट, फिर और फास्ट करते ही जाएंगे, अपने आप खटका मुर्की बन जाएगा। देखिए सारे नीसा सारे नीसा, इसका पूरा अलंकार है सारे नी सारे ग सारे ग म रे ग म प ग म प ध म प धनी प धनी सा धनी सारे नी सा। ये अलंकार को आप फास्ट बजाइए एकदम स्पीड में, तो देखिए खटका हो जाएगा। अब इसका थोड़ा रिवर्स कर देंगे, सानी रेसा नहीं, इसके पहले इसका स्पीड बढ़ाते हुए कैसे अलंकार हो जाते हैं पूरा देखिए।
ये अलंकार है सारे नि सारे ग सारे। अब इसको थोड़ी और स्पीड बढ़ा दीजिए। तो ये अलंकार और स्पीड में बढ़ाते जाने से ये खटका बन जाएगा। अब नेक्स्ट अलंकार ये था सा रे नी सा। अब होगा सा नी रे सा नी रे सा सा नी रे सा ग रे ग रे म ग म ग प म प म द प द प नी द नी द सा नी रे सा। अब इसका खटका कैसे बनेगा सानी रे सा। तो ये इसका जो अवरोह है दो तरह से बच सकता है। तो जिस तरह से अवरोह के नोट गए हैं उसी तरह से अवरोह के नोट ले लीजिए या फिर उलट पुलट करके ले लीजिए। मैंने दोनों यहाँ लिखा है इसकी पीडीएफ फाइल में, आप सब देख लेना, इजी से बच जाएगा। आगे बढ़ता है नेक्स्ट अलंकार सानी सारे सा सानी सारे 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 गरे गरे ग म ग म ग म प म प म प द प द प द नि द नि द नि सानी सानी सारे सा सानी सारे सा। बहुत स्पीड में बजाना है, मुर्की हो जाएगी। अब स्लो में तुरंत दूसरा ले लेते हैं, बीच में डैश नहीं लगाएंगे। अब बीच में डैश लगाते हुए स्पीड में बजाएंगे। स्पीड स्लोली स्लोली बढ़ाते जाइए, एकदम स्पीड कैसी होगी। अब नेक्स्ट नी सारे सा नी सारे सा सारे ग रे रे ग म ग ग म प म म प द प प द नि द द नि सा नि नि सा रे सा। अब इसको स्पीड में थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं पहले।
इसको अति स्पीड बढ़ाएंगे तो कैसा होगा? बेचारे साहब ये खटका हो गया। तीन या चार स्वर का खटका होता है, पांच छह सात स्वर का मुट्ठी होती है, छोटा वाला खटका लंबा वाली मुट्ठी। देखिए ये पूरा अलंकार खटके के साथ। अब एक और है खटका छोटा, रे सा रे म ग प म। वैसे दो स्वर का खटका नहीं होता है, लेकिन यहां मैं दो स्वर का भी दिखा रहा हूं। रे सा आगे बढ़ते हैं। दो ही स्वर वाला जो हमने रेसा लिया उसका उल्टा ले ले रहे हैं निसा। इसकी फास्ट में प्रैक्टिस करें। सारे गरे सानी धनी सा, लंबा मुर्की है। सारे गरे सानी धनी सा, सारे गरे सानी धनी सा, इसकी मुर्की कैसे होगी? सारे गरे सानी धनी सा, सारे गरे सानी धनी सा। ये पूरा अलंकार बजाना है तो कैसे बजाएं? पहले स्लो में इसकी स्पीड बढ़ाते जाइए, इसका अलंग और भी देख लेते हैं। अब इसका मुरकी बजाना है अत्यंत फास्ट में। देखिए इस तरह से अत्यंत स्पीड में बजाइए, ये अच्छी मूर्ति हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट अलंकार लेते हैं, इसका उल्टा थोड़ा कर देते हैं। सानी धनी सारे गरे सा, सानी धनी सारे गरे सा, सानी धनी सारे गरे सा। ये हो गया मूर्ति। सानी धनी सारे गरे सा, सानी धनी सारे गरे सा, सानी धनी सारे गरे सा। इसका पूरा अलंकार बजा रहे हैं। तो ये पूरा अलंकार, इसको थोड़ा और स्पीड में बढ़ाते जाइए, अच्छा लगेगा। इसका अवरोह भी मैं लिख के दे रहा हूं, आप अवश्य बजाना। आगे बढ़ते हैं।
अब पांच स्वर वाली मोटी सारे गा म ग रे सारे ग म ग रे ग म प म ग म प द प म प द नि द प द नि सा नि द नि सा रे द नि सा रे ग रे सा अब नेक्स्ट अलंकार गा लेते हैं साम ग म रे ग सा साम ग म रे ग सा आ आ आ आ आ ये गायकी में बहुत यूज होता है। इसका पूरा अलंकार स्लोली पहले बजा लेते हैं। सा प द प नि द सा रे ग रे म सा रे ग रे म सा रे ग रे म सा रे ग रे म। अब इसकी अलंकार देखते हैं। अब नेक्स्ट जो खटका है ये फोक में ज्यादा यूज होता है, फोक म्यूजिक में, लोक संगीत में। देखिए सा नि सा रे सा रे ग रे ग, देखिए फ्लूट में कैसे यूज होता है। अब इसको फास्ट कैसे बजाते हैं। सा रे ग रे ग म ग म। अब इसका उल्टा सा रे सा, पहले था सा नि सा, सा नि सा, सा नि सा रे, अब उसका उल्टा सा रे सा रे ग रे, लेकिन बीच में एक डे सा रे सा। इसको अति स्पार्ट फास्ट कर देंगे तो बढ़िया सी खटका हो जाएगा। सा
सब खटका मूर्ति, तो ये सारे खटका मूर्ति के एग्जाम्पल है, इसके अलंकार हैं, इसको आप फॉलो करेंगे खटका मूर्ति बजाना आ जाएगा। इस तरह के खटका के अलंकार आसपास के स्वर वाले, जैसे फिरत की तान भी होती है, आप भी खुद बना सकते हैं और इसकी पहले स्लो लय में, फिर फास्ट और फिर अति फास्ट में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका खटका मूर्ति तैयार हो जाएगा। खटका मूर्ति का एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, गाने में कहाँ कैसे ही हो पाएंगे। मैं तेनू समझावा गीत आप जानते होंगे, नया गीत अच्छा है। पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है पदव, यहीं पे आप खटका देखेंगे। इतने ही लाइन में कितने खटके आ गए देख लीजिए आप। मैं तेनु समझावानी, तो यहाँ पे तीन चार खटके आ जाते हैं, इसकी जगह देख लीजिए और कौन से स्वर यूज होते हैं वो भी देख लीजिए। अब कुछ लोग जो ट्यूटोरियल्स देते हैं, जो खुद बेसिक जानते हैं, वो ऐसा समझा रहे हैं, पागा पागा सारे रे गसा, तो ये बहुत बेसिक लगेगा। देखिए पागा पागा सारे रे रे गसा, तो ये बहुत बेसिक लगेगा। यहाँ कोई खटका यूज नहीं हुआ, कोई मुर्की यूज नहीं हुई, खटका मुर्की के बगैर ये गीत अधूरा है। देखिए कितनी जगह पे खटका यूज हुआ है, मुर्की यूज हुई है, देखिए पद प पद प ग प ग सा रे। रे तो यहाँ पे तीन जगह पे खटका यूज हुआ है, फिर दूसरी लाइन में भी दो तीन जगह पे यूज हुआ है। ये मोमो के धागे वाला गीत देख लेते हैं, इसका आंकड़ा सीधा। सनी जानी जानी रेसा, ये मुर्की है लंबी सी। सनी जानी रेसा तो होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, को 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 या खटका है, मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल पा, यहाँ पे मुर्की है। मुझको को है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, एक जगह मुर्की है एक जगह खटका है। फिर से देखिए यहां भी मुर्की है।
आपके को। कितनी जगह, सारी जगह पे खटका का यूज हुआ है, आप देख लीजिए। इसी जगह पे इसी तरह का खटका यूज करके आप ये गाने को स्वीट बना सकते हैं, नहीं तो बेसिक कैसा लगेगा ये भी देख लीजिए। ये बहुत बेसिक लगेगा। अब यहां खटका यूज कीजिए, मुरकी यूज कीजिए। खटका मुर्की का यूज करने से गाना बहुत स्वीट लगने लगता है। बेसिक में और खटका मुर्की के साथ बजाने में ये डिफरेंस रहता है। तो ये सारी हमने बात की खटका मुर्की की, पहले हम मींड गमक की बात कर चुके थे, अब बात करेंगे कण उपकण और आंदोलन वाइब्रेशन की। तो ये सारे ऑर्नामेंट्स है, अगर आप सब ने आपने ये सारे ऑर्नामेंट सीख लिए तो बस आपके गाने बजाने में स्वीटनेस ही स्वीटनेस आ जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, खटका और मुर्की। अगर आपको अच्छा लगा है और ये चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिएगा, आपको और भी इस तरह के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपने बहुत प्यार से मेरे सारे एपिसोड देखे हैं, इसका मैसेज मुझे मिलते रहते हैं, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।